फिलहाल इंडिया के पास जो है वो दो विकेट कीपर हैं, एक है ऋषभ पंत जो बहुत ही जल्द आईपीएल के जरिए कमबैक करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरेन की अगर बात करी जाए तो उन्हें आईपीएल से टीम इंडिया में मौका मिला था, यहाँ पर उनका प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा था और यही सवाल जब अनिल कुंबले से किया गया तो उन्होंने ध्रुव जुरेन का कंपैरिजन महेंद्र सिंह धोनी से किया और ये भी कहा कि फिलहाल इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता कि आगे टीम इंडिया में मौका किसको मिलेगा खेलने का, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि फिलहाल ध्रुव जुरेन काफी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि ऋषभ पंत जब वापसी करेंगे टेस्ट क्रिकेट में तब ध्रुव जुरेन का जो है क्या हाल होने वाला है, क्या वो टीम में नजर आएंगे या फिर ऋषभ पंत की वजह से उनको टीम से आउट कर दिया जाएगा। चलिए तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, हम दोनों का कंपैरिजन करके भी आपको बताएंगे। फिलहाल अगर ध्रुव जुरेन की बात करी जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ जो रांची में टेस्ट मैच था वहां पर उन्होंने पहली पारी में 90 बनाए, दूसरी पारी में 37 रन बनाए और ये नॉट आउट थे जो दूसरी पारी में उन्होंने रन बनाए थे और इसी की बदौलत उन्हें मिला था मैन ऑफ द मैच। अगली टेस्ट सीरीज जो होने वाली है वो सितंबर में होने वाली है, कहा जा रहा है कि पंत उसमें कमबैक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम यही करते हुए आ रहे हैं कि जुरेल का उस वक्त क्या हाल होने वाला है। पंत जो है विकेट कीपिंग करते हैं हर फॉर्मेट में और अभी भी कर रहे होते हैं अगर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, और हम यहाँ पे ध्रुव जुरेन और ऋषभ पंत के स्टैट्स में एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। मैचेस जो है ध्रुव जुरेन ने खेले हैं 2 175 रन रहे, टेस्ट मैचेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, बेस्ट रहा है 90 का, एवरेज है 87.5। बिल्कुल ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है, रन भी उन्होंने अच्छे खासे बनाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि फिलहाल पंत जो है वो जब वापसी करेंगे तो उनकी फिटनेस कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन सीरीज जिसका जिक्र उर्वेका ने किया था ये बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाएगी सितंबर के महीने में और तब तक बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। और यहाँ पर अगर हम ऋषभ पंत के स्टैट्स पर नज़र डालें तो 33 मैचेस है, रन है 2271, बेस्ट है 159, एवरेज है 43.67। तो ये जो स्टैट्स हैं ये यही बताते हैं कि ध्रुव जुरेल जो है अभी नए हैं, ऋषभ पंत जो है वो ऑलरेडी उनके स्टैट्स बता रहे हैं कि कितने सक्सेसफुल प्लेयर हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को होना मुझे नहीं लगता कि कहीं भी टीम इंडिया चाहे। बिल्कुल मुझे लगता है ये दोनों खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बैटिंग की बात करी जाए तो टीम इंडिया तो कितने टाइम से तलाश रही है ऐसे बल्लेबाज जो अगले लेवल पर जाकर खेल सके, यानी कि जिस तरीके से पंत एकदम तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं वैसा हो जाए। जहां तक बाकी विकेट कीपर्स की बात है तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ईशान किशन को मौका दिया गया, किस तरीके से के एस भरत को मौका दिया गया और फिर चीजें जो है वो टीम इंडिया के हक में फेवर में नजर नहीं आई। यहाँ पे के एस भरत की बात अगर करी जाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, ईशान किशन के लिए वो खुद ही साइडलाइन हो गए कि हमें मेंटल फटीक है जो भी है उनका। केएल राहुल को लेके भी टीम इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये देखने के लिए कि ये इस फॉर्मेट में खेलते हुए कैसे नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद इंजरी का कहीं ना कहीं डर था क्योंकि आने वाले वक्त में पता था कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, फिर आईपीएल आएगा, फिर T20 वर्ल्ड कप आएगा, तो इस लिहाज से सारे खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यही वजह थी कि जो केएस भरत थे उन्हें मौका मिला था। लेकिन 20 का एवरेज और अपनी मेडन 50 भी नहीं बना पाए थे केएस भरत तो लगभग 12 टेस्ट मैच में, लेकिन यहाँ पर उर्विका देखिए जुरेल ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उनका हाई स्कोर 50 है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जुरेल बहुत ही अच्छा खेल रहा है। यहाँ पर जो है इंडिया ने जुरेल पे एक तरह से दांव खेला था कि देखने के लिए कि ये कैसे खेलते हुए नजर आएंगे, यंगस्टर है, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने अपने बल्ले की ताकत दिखा दी, अच्छा खेला, अच्छा नाम कमाया। तो अब जो है जुरेल को लेके यही बड़ी सबसे बड़ी खबर है कि कितना खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, काफी सारे खिलाड़ी जो है वो अपना वर्डिंग दे रहे हैं, चाहे सुनील गावस्कर हो, एमएस धोनी से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और रांची में खेलते हुए कहा था अभी ध्रुव जुरेल ने कि मैं यहाँ पर आया हूँ कहीं ना कहीं माई भाई से मिलना चाहता हूँ, तो ये सारी चीजें अब आईपीएल में देखने लायक होंगी कि कैसा खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च से इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये तो डिबेट जो रही थी जो हमने आपको बताया कि अनिल कुंबले ने अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा कि मैं इस डिबेट में जो है वो बीच में आना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ ध्रुव जुरेल को कहीं ना कहीं इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर उर्वी का बात करी जाए ऋषभ पंत की तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है, फिर से वो अपनी अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में वो मास्क लगाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि पंत जो है वो कहीं ना कहीं अब अपने फैन से ज्यादा दूरी जो है वो बनाए रखना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कपिल की जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें जो है विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनते हुए वो नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये होप दे रहे हैं कि वो वापस आने वाले हैं अपने ऑल फॉर्मेट में, वो विकेट कीपर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है कि वो अपनी वापसी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डीसी में वो वापसी कर रहे हैं आईपीएल 2024 में, 23 मार्च को पहला मैच होने वाला है मोहाली में पंजाब किंग्स के खिलाफ,
तो अभी तो वो फिलहाल के लिए वापसी तो कर ही रहे हैं, लेकिन और फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो ये वीडियो की वजह से फैंस को कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है कि अब जो है ऋषभ पंत ऑल फॉर्मेट में भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि कोई स्टार नहीं फायर करके स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रोग्राम किया था और उसमें ऋषभ पंत ने एक आधा कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना एक्साइटेड मैं फैंस से मिलने के लिए हूँ, फैंस के बीच जाना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ। बाकी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो शुरुआती दो या फिर कहिए कि शुरुआती इससे ज़्यादा मैच दिल्ली अपने होम टाउन में नहीं खेलेगी, विशाखापट्टनम में खेलेगी। वुमेंस प्रीमियर लीग के लगभग 11 मैच जो है वो दिल्ली होस्ट करती हुई नजर आई आ रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि पंत पूरी तरह से वापसी के लिए तैयार है, इंडिया को दो अच्छे विकेट कीपर मिले हैं, अब कौन धोनी की जगह ले पाएगा, कौन धोनी बन पाएगा, ये बड़े सवाल है।